जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं दित्य राजपूत। आपको हम बता दें कि कोरोना की इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो है, चाहे बात की जाए मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर की या फिर बात की जाए मेडिसिन की, जो काफी शॉर्टेज है और रोज अन्य प्रकारों के केस जो है वो देखने को मिलते हैं। कभी डॉक्टर्स की निलिगेंस की वजह से पेशेंट की जान चल जाती है, तो कभी ऐसे केस देखने को मिलते हैं, तो कभी दिखाई देता है कि मेडिसिन जो है वो शॉर्टेज है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बात की जाए बख्शीनगर हॉस्पिटल की, तो कभी वेंटिलेटर की शॉर्टेज या ऑक्सीजन की शॉर्टेज, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जो पब्लिक डोमेन में आ रहा है वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से हम भी न्यूज गैदर कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का पर्सनल ओपिनियन जो वहाँ पे गए हैं जिनके पेशेंट्स के अटेंडेंस, तो ये एक इम्प्रेशन गैदर किया गया है कि मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू बख्शीनगर में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है और कुछ डॉक्टर्स शायद ड्यूटीज देने से कतरा रहे हैं। इस पे मुझे तो लगता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज ने संज्ञान लिया है और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन मुझे लगता होने वाली है। जो डॉक्टर्स ड्यूटीज अपनी देने से पीछे हट रहे थे, जो आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं, मेडिसिन देखिए ये पब्लिक डोमेन में भी ऑक्सीजन की बात आई है कि ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पे काम नहीं कर रहा है और ऑक्सीजन जो है जो कहीं बड़ी ब्राह्मणा से टेम्परेरीली रिसीव की जा रही है बाय वे ऑफ सिलेंडर्स। अभी परसों या कल ही एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने 5 ऑक्सीजन यूनिट्स का सैंक्शन दिया है और एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया है उसके लिए, तो ये इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन की कमी वाकई थी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ पेशेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से दे हैव डाइड, उनकी डेथ हुई है, तो एक सीरियस मसला है। इस पर बड़ी संजीदगी से विचार करने की ज़रूरत है और अगर मेडिसिन की जरूरत कमी है तो ये भी एक सीरियस बात है। इस सिचुएशन में, पेंडेमिक में, COVID-19 या कोरोना वायरस जिसे पूरा विश्व जूझ रहा है और जम्मू कश्मीर भी इससे पीछे नहीं है, जम्मू में तो हालत पिछले 2-2.5 महीने से बड़े खराब हुए हैं, पहले जो कंट्रोल में थे, तो ये बड़ी एक सोचने वाली बात है कि एक प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और उसके साथ जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, अगर वहां पे ऑक्सीजन की कमी है या मेडिसिन की कमी है और उसके ऊपर मेडिकोज, मेडिकल ऑफिसर्स की अगर कमी है, तो ये मैं सोचता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है जम्मू के लोगों के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर सीरियसली विचार करना चाहिए। और जिन डॉक्टर्स ने ऐसा काम किया है, जिनके बारे में सुनने में आ रहा है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में, कि वो अपनी ड्यूटीज देने से पीछे हट रहे हैं, अगर ये बात सच है तो मैं आपके माध्यम से कमिश्नर कम सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अतुल डुल्लू जी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, सुब्रमण्यम साहब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सख्त से सख्त एक्शन इन लोगों पे होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट की जान बचाते हैं। और इस सिचुएशन में, पेंडेमिक में, ये तो बात हो गई कि अगर कहीं वार होती है किसी कंट्री के साथ तो आर्मी पीछे हट जाती है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पीछे हट जाती है, तो आपको पता है कितनी डिसिप्लिन फोर्सेज हैं और कितनी स्ट्रिक्ट एक्शन उनके ऊपर होती है। तो ये डॉक्टर्स भी इस टाइम कोरोना वायरस कहला रहे हैं, अगर ऐसा काम करेंगे तो उनके एक्शन जरूर होने चाहिए। सर, आपने कहा डॉक्टर्स कोरोना वायरस कहलाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए लोग जो है वो लालची लगा रहे हैं डॉक्टर पे, कि पहले देखा जाता है कि जो पेशेंट है वो नेगेटिव होता है, जब उसकी डेथ होती है फिर वो पॉजिटिव कर दिया जाता है। देखिए ऐसा है, इस पे तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि पहले पेशेंट को नेगेटिव किया जाता है फिर उसको पॉजिटिव किया जाता है। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई, अगर है ये भी तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस तरह से कुछ दिन पहले का वाक्य है, हाईकोर्ट में एक 4 साल का लड़का जो है उसकी डेथ हो गई और पहले जो है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई और जब उसकी डेथ हो गई उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव बता दी गई हाईकोर्ट में। जी हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट चौंक की बात है। हाँ यस, हाँ ये सुनने में आया, मैंने वो वीडियो भी वायरल हुआ वो भी देखा है, उनके पेरेंट्स भी कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं और भी कुछ लगा रहे हैं। तो मैंने कुल मिला के मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बड़ी एक सीरियस सिचुएशन है, अगर डॉक्टर्स अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहे या पैरामेडिकल स्टाफ अपना काम नहीं कर रहा या हेल्थ वर्कर्स अपना काम नहीं कर रहे, तो देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज जो है, जो प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट है पूरी
जेएनके स्टेट का और पूरे जम्मू डिवीजन के पेशेंट्स को केटर करता है। यहाँ पे चुनिंदा कुछ इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर्स जो हैं उनके वार्ड्स या उनके रिलेटिव्स, वही रजिस्ट्रार्स, वही डिमॉन्स्ट्रेटर्स, वही लेक्चरर्स, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में एक फैकल्टी होती है जो लेक्चरर से स्टार्ट होती है, फिर वही लेक्चरर प्रमोट होकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनता है, फिर प्रोफेसर बनता है, और उनमें से कुछ चुनिंदा प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनते हैं। लेकिन जो बेसिक एंट्री है वो लेक्चरर की, लेक्चरर बनने के लिए 2 साल का रजिस्ट्रार और डिमॉन्स्ट्रेटर का एक्सपीरियंस जरूरी है जो सिर्फ मेडिकल कॉलेज में मिल सकता है। और रजिस्ट्रार डिमॉन्स्ट्रेटर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हेल्थ सर्विसेज को से डॉक्टर्स को डेप्यूट किया जाता था और तकरीबन 20-25 साल ये एक रैकेट बना हुआ था कि जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थी, ब्यूरोक्रेट्स थे, फेमस डॉक्टर्स थे, उनके बच्चे जो हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिकल ऑफिसर थे, सिर्फ उन्हीं को डेप्यूट किया जाता था मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रारशिप डिमॉन्स्ट्रेटरशिप करने के लिए, ताकि वही बच्चे सिर्फ एलिजिबल हों लेक्चरर बनने के लिए, और एक बार अगर वो लेक्चरर बन गए वो पूरी उम्र मेडिकल कॉलेज में ही रहेंगे रिटायरमेंट तक। सर्विस भी सिटी में करेंगे, प्रैक्टिस भी सिटी में करेंगे। और जिनका कोई माई बाप, जिनके सेक्रेटरिएट में कॉरिडोर्स और पावर्स में कोई जान पहचान का नहीं था, चाहे वो डॉक्टर जितना मर्जी कॉम्पिटेंट हो, वो पेरिफेरी नहीं रहा पूरी उम्र और वहीं पे रिटायर। इसीलिए जिन लोगों को पेशेंट्स की परवाह नहीं है, जो कंफर्ट जोन से निकल के मेडिकल कॉलेज में पूरी उम्र सर्विस करते रहे, तो शायद वो कतरा रहे हैं इस टाइम कोरोना की सिचुएशन में, पेंडेमिक जो COVID-19 की सिचुएशन में अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज डिस्चार्ज करने से। तो ये बड़ा सीरियस एक मसला है, इस पे बड़ी संजीदगी से एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस लेना चाहिए। सर, जिस तरह से आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हमेशा से सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार जो एक वीडियो वायरल हुई कुछ दिन पहले, उसमें देखा गया कि जो पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर ट्रीट नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसे वीडियो मैंने भी देखा, उसमें क्लैरिटी इतनी नहीं थी जी। कुछ पेशेंट्स ने कहा कि डॉक्टर्स हमें देखने नहीं आ रहे जी। एक दो पेशेंट ने ये कहा, नहीं डॉक्टर देखने आए, लेकिन एक ही बार आए दिन में। लेकिन सबसे हैरानगी की बात थी जो वहां पे साफ सफाई जो देखने को मिली कि इस सिचुएशन में यहाँ पे COVID-19 के पेशेंट्स आइसोलेशन वार्ड्स में एडमिटेड हैं और वहां पे ये सैनिटाइजेशन, ये हालत देख के मैं एक बात कहूं आपके माध्यम से, सबसे इंपॉर्टेंट बात जी। जो लोग बात कर रहे हैं नारायणा हॉस्पिटल की, नारायणा हॉस्पिटल में जो फैकल्टी है, जो डॉक्टर्स हैं, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है जी। मेरा अपना ओपिनियन है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं, ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पे वर्किंग कल्चर है, वहां पे वर्किंग कल्चर है, टाइम पे डॉक्टर आएगा, टाइम पे मेडिसिन मिलेगी, टाइम पे नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ वहां पे आपको डोज देगा और वहां पे क्लीनलीनेस और सैनिटाइजेशन प्रॉपर है, बस इतना फर्क है। वहां पे प्रोफेशनलिज्म है, यहां पे प्रोफेशनलिज्म नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ डॉक्टर्स अड़ाक पे भी लगे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल भी लगे हैं, उनको पता है अगर नौकरी ठीक नहीं करेंगे निकाल देंगे, ये परमानेंट है, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं है। लेकिन एक्सपर्टीज यहाँ पे ज्यादा है, कॉम्पिटेंस यहाँ पे ज्यादा है, एजुकेशन, लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि नारायणा में बेटर ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का लेवल यहाँ पे बेटर है, लेकिन प्रॉपरली अगर कोई ट्रीट करे तो। सर, इनकी अगर बात की जाए क्वारंटीन सेंटर्स की, तो उनकी हालत तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरह से वीडियोस वायरल होती है, ना उनको खाने के लिए खाना दिया जाता है और ना ही सफाई की बात की जाए या वॉशरूम्स की बात की जाए, तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी है वहाँ पर। मैंने वही आपको कहा जी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई आदमी सरकारी नौकरी करता है, उसको पता है मैं पूरी उम्र सरकारी नौकरी कर ली, और अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे लगाएं, अडाक लगाएं, एकेडमिक अरेंजमेंट पे लगाएं, और उसकी कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ये है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी तो आपको निकाल दिया जाएगा। आपने देखा कई स्कूल्स में, कई और इंस्टीट्यूशंस में, जो परमानेंट स्टाफ होता है वो इतनी सीरियसली काम नहीं करता, जो टेम्पररी होता है, जिसके ऊपर तलवार लटकती है, हैंग करती है कि मुझे मेरी
नॉन परफॉर्मेंस की वजह से निकाला जा सकता है नौकरी से, वो पूरी सर्विस डिस्चार्ज करता है। मैंने कहा जेएनके में वर्किंग कल्चर नहीं था, पिछली सरकारों ने जो रही है उन्होंने खुद भी सीरियसनेस से मेडिकल लाइन की तरफ, लोगों की हेल्थ की तरफ, पेरिफेरी में या मेडिकल कॉलेज में इतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। और वो वर्किंग कल्चर ना उनमें था, ना एम्प्लॉइज में था, ना हम लोगों में उतना था जो होना चाहिए था। आप देखिए, आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हर यूथ जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान दे रहा है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, इतनी सरकारी नौकरियां कोई नहीं दे सकता जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं। राष्ट्र में जाइए, सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं, लंच का टिफिन साथ लेके रात को 10-11 बजे घर पहुंचते हैं, मेट्रो में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, बसेस में चढ़ते हैं और फिर अपना गुजारा 30-40-50 हजार रुपए महीने का कमाते भी हैं। लेकिन यहाँ पे सोच सिर्फ एक बिगाड़ी गई है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही मिलेगी तो तभी जिंदगी चलेगी, ऐसा होने वाला नहीं है। मैं साफ शब्दों में जम्मू के यूथ को बोल दूं, आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। देखिए, जो लोग 60-65 हजार लोग सड़कों पे रेगुलराइजेशन मांग रहे हैं, चाहे वो NYC हो, चाहे वो अडाक PHE में लगे हों, PDD में लगे हों, इरिगेशन में लगे हों, फ्लोरिकल्चर में लगे हों, एग्रीकल्चर में लगे हों, जब वो लगे थे 20-22 साल की एज, आज वो 48 साल के हो रहे हैं और सड़कों में रेगुलराइजेशन मांग रहे हैं। तनख्वाह कितनी ले रहे हैं? कोई 4600 रुपए महीने की ले रहा है, कोई 6900 रुपए महीने की ले रहा है, क्या बनेगा इससे? इसलिए सोच बदलने की जरूरत है। आप सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ अगर झांकेंगे तो आप अंदर से खोख लेंगे। सर, एक आपकी सवाल रहेगा, अब क्या बार एसोसिएशन की तरफ से कोई स्टेप उठाए जाएंगे मेडिसिन को लेकर या फिर मेडिकेयर को लेकर? देखिए, बार एसोसिएशन जो है एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी जम्मू के लोगों के साथ कोई नाइंसाफी होती है तो बार एसोसिएशन हमेशा आगे आती है, चाहे वो दरबार मूव की एजिटेशन हो, चाहे वो टाइम चेंज की एजिटेशन हो, चाहे वो अमरनाथ लैंड रो की एजिटेशन हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एजिटेशन हो, चाहे एम्स की एजिटेशन हो, कोई भी हो, बार हमेशा फोर फ्रंट पे रही है। लेकिन सिचुएशन ये है इस टाइम कोविड की वजह से आप फिजिकली एजिटेट नहीं कर पाते, आप ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, जो ठीक नहीं है लोगों की सेहत के लिए। तो जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो मीडिया के थ्रू कन्वे कर रहे हैं। अगर मेडिसिन की कमी है, अगर ऑक्सीजन की कमी है, अगर स्टाफ की कमी है, तो मैं आपके माध्यम से चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन और LG साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ी जल्द इस इशू पे गौर करिए और एक्सपीडिशियस स्टेप्स जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में आपको लेने पड़ेंगे, नहीं तो सिचुएशन जो है ये अलार्मिंग है और बद से बदतर होती जा रही है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जिनसे आज हमने बात की कोरोना वायरस को लेकर और साथ ही साथ जो है मेडिसिन की शॉर्टेज जो है वो जम्मू कश्मीर में देखी जाए और बख्शनगर हॉस्पिटल में नेगलिजेंस ऑफ डॉक्टर्स की वजह से काफ़ी केसेस जो है वो देखने को सामने आते हैं। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम पर किस तरह से इस पर रोक लगाई जाती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहे आप जेके न्यूज़ स्टूडियो के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट सनी कुमार के साथ आदित्य राजपूत जम्मू।